अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपदा और आप देख रहे हैं किड्स एंड किचन। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मूली के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूं, जो कि बनाने में बहुत ही सिंपल हैं और सिर्फ चंद इंग्रेडिएंट से बन जाते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है वो हम देख लेते हैं। ये सबसे पहले हमने लिए हैं बारीक कटे हुए मूलियों के पत्ते। मूलियों के पत्तों को आप इसमें ज़रूर शामिल किया करें, इससे ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तकरीबन आधा कप से थोड़ा ज़्यादा इसमें मैंने बारीक कटा हुआ धनिया लिया है। एक खाने का चम्मच इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगा और डेढ़ चाय का चम्मच मैं इसमें नमक ले रही हूँ। नमक मिर्च आप हसबे ज़रूर डालिएगा। तकरीबन 3 से 4 इसमें मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ले रही हूँ। और ये 2 बड़े साइज़ की मूलियाँ हैं जिनको कि मैंने कद्दूकश कर लिया है और हाथों की मदद से दबाकर इनका पानी निकाल लिया है। आप इनका पानी मलमल के कपड़े की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें मूलियाँ शामिल कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें मूलियों के पत्ते शामिल कर देंगे। मैं हरा धनिया शामिल कर देंगे, हरी मिर्च शामिल कर देंगे, नमक मिर्च शामिल कर लेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया। अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं इस तरीके से। हमारे इन छोटे पेड़ों का साइज 1 जितना होना चाहिए। ये देखिए, मैंने इस तरीके से छोटे छोटे से पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये पराठे बनाने के लिए हम घर का आम जो गंदुम का आटा होता है वो ही इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम एक पेड़े को लेंगे और इसको इस तरीके से हम इसके किनारों को दबा देंगे। अब हम इसका एक पेड़ा बेलना शुरू करते हैं। इस तरीके से हम इसकी एक रोटी बेलकर एक प्लेट में रख लेंगे। अब हम इसकी दूसरी रोटी बेल लेंगे। अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच घी लगाएंगे। घी लगाकर हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से भरकर फिलिंग लगा देंगे। पराठों पर अच्छे तरीके से फिलिंग लगी हो तभी इनके खाने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से इसके किनारों के नज़दीक नज़दीक तक, बिल्कुल इसके किनारों पे नहीं क्योंकि हमने इसको जोड़ना है, लेकिन फिर भी जहाँ तक आप कर सकते हैं आप कर लें। थोड़ा सा हम इसके ऊपर एक दफ़ा और ऑयल लगा देंगे, इससे अंदर की जो मूलियाँ हैं उनका कच्चापन दूर हो जाएगा। अब हम इसके किनारों को यूँ दबा देंगे। तवे को आपने गरम कर लेना है पहले ही। इसको हम इस तरीके से ज़रा दबाकर इसके किनारों को दबा लेंगे और इस तरीके से फिर मैं इसको उठाकर तवे पर आप पहले थोड़ा सा ऑयल डाल लें। ये देखिए, ये बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। आप इनको सुबह नाश्ते में खा सकते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं। साइज चेंज कर देंगे। ये देखिए, अब हमने इसको नीचे से अच्छे तरीके से पकाना है। सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद हम इसकी साइज चेंज कर देंगे। इसको साथ साथ आप घुमाते चले जाएं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये पराठा बन गया है, गोल्डन कलर का। चंगेर में निकाल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, इसी तरीके से अब हम अपने बाकी पराठे तैयार कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, पराठे बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने ही ज़बरदस्त ये पराठे बने हैं।
गरम गरम पराठे। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।